कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव के दोनों पक्षों से, तो हमने एक एपिसोड के माध्यम से आप तक तमाम बातें पहुंचाई, मगर आज ये कोशिश कर रहे हैं कि बार एसोसिएशन के चुनाव में जो लोग वोट करेंगे, आखिर वो लोग क्या सोचते हैं, उनके क्या मुद्दे होते हैं, उनसे भी बात करें। तो वकील साहब से जानेंगे, सबसे पहले तो चुनाव हो रहे हैं, क्या मुद्दे हैं ऐसे कि आपको लगता है कि जो भी चुनाव जीत गया है हमारे, कम से कम ये काम इस बार थोड़े ध्यान से और प्राथमिकता के साथ कर ले। देखो, वकीलों का जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि अपना जो बार है, जहां हम सभी हिल मिल के बैठते हैं, जहां अपने हर क्षेत्र में और हर टॉपिक पे जो विचार होते हैं, तो वो जगह तो कम से कम इस प्रकार की हो कि जहां हम ढंग से बैठ सकें। आज हमने देखा है कि करीब 5-7 साल से इस प्रकार का ढर्रा और इस प्रकार की व्यवस्था चल रही है कि वकीलों के पास न तो बैठने की समुचित व्यवस्था है, और जो व्यवस्था है भी वो एक गंदगी का पहाड़ के रूप में बनी हुई है। आप जाके देखो, लेटरिन बाथरूम वगैरह जाके अभी देखो, यानी इतनी गंदगी कि जी ऐसी गंदगी में शायद ही किसी प्रकार का इंसान जी रहा हो। आप हमने बाहर भी देखी है, बाहर के प्रेसिडेंट वगैरह, इनका चैम्बर बहुत आलीशान होता है। मैं भरतपुर गया था, वहाँ के चैम्बर ने देखा बाहर के प्रेसिडेंट का, ऐसा कलेक्टर एसपी का भी चैम्बर नहीं है। और आप हमारे यहाँ के जाके चैम्बर देखो, आप खड़े नहीं हो सकते हो, यहाँ जाके देखो लेटरिन बाथरूम, खड़े नहीं हो सकते हो। तो कम से कम जहाँ हम बैठते हैं, जहाँ हमारे कोई 250-300 वकील हैं, जहाँ हर क्षेत्र में बातें होती हैं, वो स्थान तो कम से कम स्वच्छ और बेहतरीन होना चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि जो इस प्रकार की व्यवस्था कई सालों से चल रही है, वो आगे आने वाला कोई भी आए, सब हम भाई भाई हैं, या किसी प्रकार के विरोध नहीं, कोई राजनीतिक विचारधारा का टकराव नहीं, कोई भी आए सबसे पहले वो हमारी जो संस्था है उसको इस तरीके से संभालें कि जहां हम बहुत बेहतरीन तरीके से बैठ के अपने विचार व्यक्त कर सकें। तो देखा, ये भवन की बात लगातार आई है। अभी हमारे साथ पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष बहादुर सिंह जी चारण हैं, उनसे भी जानेंगे। आप तो खुद अध्यक्ष रहे हैं, आने वाले जो भी अध्यक्ष हो, आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा उम्मीदें किस चीज़ को लेकर है कि हाँ ये थोड़ा सा इस पर ध्यान दें? बार एसोसिएशन के अंदर आज दिन तक जो हमारे अध्यक्ष आए हैं वो हम सब हिल मिल के चुनते हैं, और सौहार्द की भावना से हमारा अध्यक्ष बनता है। हमारे वस्तुतः जो अभी नए जो एडवोकेट आ रहे हैं उनके चैम्बर की व्यवस्था के लिए अभी हो नहीं पा रहा है, तो हम जो नए अध्यक्ष महोदय आएंगे, जो भी चुन के आएंगे, वो हमारे ही हैं जो भी चुन के आए, उनसे हमारा पहला यही रहेगा कि नए एडवोकेट के लिए वो चैम्बर की जो ज़मीन है वो अलॉट करावे। दूसरा, हमारे बैठने के लिए जो हॉल जो है उसकी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि एक बड़ा हॉल जो है हमारे बार एसोसिएशन के ऊपर या बार एसोसिएशन के लिए कोई अलग से श्रीमान डीजे साहब को कह के कोई ज़मीन अलॉट करवा के उस पर एक मीटिंग हॉल बड़ा बनाया जाए। तीसरा, हमारे थोड़ा सा सीटिंग व्यवस्था की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, तो हमारे चेयर्स की आवश्यकता है, कंप्यूटर्स की आवश्यकता है, और हमारे और भी जो नए नए टेक्निकल जो है, नेट की जो तीव्रता है, इन सब की चीज़ों की आवश्यकता है। तो वो जो भी नया अध्यक्ष हमारा आएगा उनसे हमारी आशा है कि वो हमारे ये सब काम करें। ये जो चुनाव है वो हम सब एडवोकेट्स का आपसी स्नेह का चुनाव होता है, झगड़े नहीं होते हैं। वकील वैसे झगड़े निपटाते हैं, पर ये चुनाव से झगड़े नहीं होते हैं, अरे यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया। नहीं, इसमें ये जो हमारी जो संस्था चलती है वो एज इट इज़ जैसे संसद या विधानसभा चलती है उसके पैटर्न पे हमारी चलती है, और उसी पैटर्न पे हमारे अध्यक्ष भी चुना जाता है। हम अध्यक्ष में वाद विवाद भी होते हैं, हम सब तरह के मुद्दे भी रखते हैं, उन पर डिबेट भी होती है, डिबेट के बाद वोटिंग भी होती है, वोटिंग के बाद हमारे अध्यक्ष चुन के आता है, उसी जनरल हाउस चलता है। तो हम यहाँ पे वकील का जो नेतृत्व की क्षमता है वो यहाँ पे हम डेवलप करते हैं, न कि हमारा कोई कंपटीशन है, ताकि वकील यहाँ से अच्छा सा एक नेता बन के पब्लिक के अंदर जाए और पब्लिक के हितों का काम करें, वहाँ पर कोशिश जिम्मेदारी निभाएं। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं आप। वकील साहब, चुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है क्या जो जीते वो क्या करें आपके लिए? देखिए, यहाँ पर पिछले 50 साल पुरानी ये बार एसोसिएशन है, और यहाँ की जो लाइब्रेरी है वो काफ़ी नखरा हो चुकी है, और ये बिल्डिंग जो भी काफ़ी जर्जर है, और इसकी भी काफ़ी अधिवक्ताओं की डिमांड भी रही है, और मीटिंग हॉल भी हो इसके अंदर, जो मीटिंग हॉल भी नहीं है, महिलाओं के लिए कोई बाथरूम नहीं है, पीने के लिए पानी के लिए कोई अच्छी व्यवस्था, टंकी वगैरह नहीं है,
और अधिवक्ताओं के हित में कोई कार्य हो। अधिवक्ताओं के समय जैसे कई अन्य बारों के अंदर जैसे होता है अधिवक्ताओं के लिए जैसे रियायती दर के ऊपर प्लॉट वगैरह उपलब्ध करवाना है या जैसे कोई टर्म इंश्योरेंस वगैरह करवाना है, तो इस प्रकार का कोई अधिवक्ता हित के अंदर कार्य किया जाए जिससे कि अधिवक्ताओं का भला हो। बाकी तो बार के अंदर काफ़ी लंबे समय से चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होती है, यहाँ पर कोई कांग्रेस बीजेपी बसपा ऐसा कुछ नहीं होता, ये एडवोकेट हित के बारे में सोचाता है। और आज जब हम राजस्थान के अंदर एडवोकेट हित के अंदर यदि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाए तो उसी तरह से यदि एडवोकेट हित के अंदर इसी तरह से हमारी ये संस्थाएं हैं जो लड़ती है, और हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार का अध्यक्ष आवे जो हमारे हित के बारे में हमेशा लड़ता रहे। अभी हमारे साथ हालिया बार एसोसिएशन अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह जी है। चुनाव वापस हो रहे हैं, लग रहा होगा यार अब तो मेरा कार्यकाल तो चला गया, अब नहीं होते चुनाव तो बढ़िया रहता, मैं अध्यक्ष बना रहता। तो भाई साहब आपका स्वागत है बार एसोसिएशन राजसमंद में। वैसे 2 साल का कार्यकाल रहा है मेरा, बैक टू बैक 2 बार मुझे बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ताओं ने मुझ पर भरोसा दिखाया, 2 वर्ष का मौका दिया मुझे, और आज संभवतः आज अध्यक्ष का कार्यकाल का अंतिम दिन है मेरा भी। थोड़ा दुख तो इस चीज़ का होता ही है कि अब भविष्य में अपने को पूर्व लग जाएगा, मैं तो खुशी इस बात की है कि बार एसोसिएशन जैसी महान संस्था ने मुझे बहुत सम्मान दिया और अपने अधिकारों का कर्तव्यों का पालन करने के लिए मुझे अवसर दिया। तो उनके मैंने अपनी हर 2 साल में कोशिशों में यही पूरी कोशिश की है कि बार के हर अधिवक्ताओं का सम्मान रहे, उनके अधिकारों का रक्षा हो। उसके संबंध में हमने कई बार आंदोलन किए और एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का जो ये तो आपके कार्यकाल में ये तो हो गया कि भाई ये आया तब मैं वहाँ अध्यक्ष था, ये मेरे लिए अमर शब्द हो गया कि मैं जब कार्यकाल में था उस समय एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ। और इस आंदोलन में राजसमंद बार के सभी अधिवक्ताओं ने पूरे जोर से सहयोग किया और एक मत में होकर हमने 1 महीने तक हड़ताल की, उसमें पूरा सहयोग रहा। ऐसा कोई चीज़ है कि भाई ये क्योंकि आपका समय जब निकला तो मैं जितना समझता हूँ तो उसमें कोरोना काल भी आया और तमाम तरह की चीज़ें आई, ऐसी कोई मन में है पीड़ा की यार ये काम मैं नहीं करवा पाया, अब ये 2 जो लड़ रहे हैं उनमें से जो भी जीते ये काम करवा देगा? जरूर जरूर, मेरे मन में कई ऐसी बातें थी जिन्हें मैंने कई समय समय पर उठाया भी है, जैसे कि यहाँ पर NIA के प्रकरण जो कि लगभग 11,000 के आसपास प्रकरण है और कोर्ट एक ही है, तो मेरा ये पहले भी कोशिश थी, मैंने कई बार मुख्यमंत्री जी को यहाँ के स्थानीय विधायक महोदय को भी इस चीज़ के लिए अवगत कराया कि एक हमें एक स्पेशल कोर्ट की और आवश्यकता है। और उसके अतिरिक्त एक जैसे आप ये भी बार भवन में आप खड़े हैं, मेरा 2 साल से यही प्रयास था कि इस बार भवन में एक अधिवक्ताओं की जैसे कि अब तादाद बढ़ती जा रही है, लगभग हम 300 के करीबन अधिवक्ता हैं, तो एक हमें बैठने के लिए सुचारू रूप से एक हॉल की व्यवस्था करवाने के लिए, उसके लिए भी मैंने हाई कोर्ट में भी लिख के दिया लेटर और यहाँ के अधिकारी उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया। और उसका थोड़ा सा यह है कि मेरे कार्यकाल में वो हो नहीं पाया, परंतु मैं चाहता हूँ कि मेरे आगे जो भी मेरे साथी अधिवक्ता अध्यक्ष के रूप में आए वो इस कोशिश को आगे बढ़ाएं और हमें एक अच्छा एक हॉल मिल सके। आपकी शुभकामनाएं दोनों के साथ है कि किसी एक के साथ है? मेरी शुभकामना दोनों के साथ ही हैं, दोनों ही मेरे अग्रज हैं, मेरे सीनियर हैं और दोनों ही मेरे प्रति इतना स्नेह रखते हैं कि मुझे हमेशा उन्होंने अपने मार्गदर्शन से मुझे 2 साल का सही अपना सहयोग दिया उन्होंने, इसलिए मेरी कोशिश दोनों के साथ शुभकामनाएं मेरी।